मैं इस संपूर्ण सृष्टि में किसी का नहीं हूं और ना कोई मेरा है, मैं नित्य प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। यही मेरा दृढ़ विश्वास है, यही टेक है। ऐसी टेक जब हो जाती तब कोई कर्तव्य कर्म नहीं बचता, ध्यान रखना। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे, आज अभी इसी क्षण अगर ये स्वीकार कर लो, पर इस स्वीकृति की परीक्षा होगी कि आपका इस संसार में कोई है। अगर आप ऐसे ही कहते मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं, ठीक है, अब आपका कोई कर्तव्य नहीं, अब प्रभु सब संभाल लेंगे। पर यदि जहां जहां आपने मान रखा ऊपर से बोल रहे, तो दो बात होगी, या तो हरण कर लेंगे, बड़े कृपालु हैं, हरण कर लेंगे, रखेंगे ही नहीं तुम्हारा अपनापन सब जगह से, या विवेक के द्वारा हटा देंगे। तैयार रहना, ये बोलना सहज बात नहीं है, बड़े कृपालु हैं, उनकी दो लीलाएं होती हैं, एक विवेक लीला होती है, एक विनाश लीला होती है। तो अगर आप ये बोलने की हिम्मत कर रहे हैं कि संसार में कोई भी मेरा नहीं है और मैं इस संसार में किसी का नहीं हूं, तो जिन जिन को अपना माने हुए हैं आप तैयार हो जाइए, या तो इतना बलशाली विवेक पैदा होगा कि राग नष्ट हो जाएगा, और नहीं तो बाहर से उनकी सामग्री हटा लेंगे कि तुम्हारा तो कुछ है नहीं है। अब फिर रोते घूमो कि मैं तो प्रभु का भरोसा लिया था, देखो ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए। तो पहले समझ लीजिए, इसके बाद कोई कर्तव्य नहीं रहता उपासक का, पूरी की पूरी डोर भगवान संभाल लेते हैं, महान आनंद। पर ये बोलना बहुत होश में, प्रभु के धाम में हो, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, तो जो जो आपने अपना मान रखा वो सब वो घसीट लेंगे, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम मन था कर्तुम सर्व समर्थ है। दो प्रकार से, या अंदर से विवेक से वैराग्य प्रकट करके, या बाहर से राग ही हटा लेंगे, वो जगह नहीं रखेंगे जिसे आप अपना कह रहे हो। तैयार रहना, और यदि वास्तविक हृदय से ऐसी बात आ जाए तो उसी समय वो महात्मा हो गया, उसी समय। करो सद्य, सत्य माने तत्काल, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी समय बहुत जल्दी वो महात्मा बन जाता है। कितना सुंदर सिद्धांत है, अब अपने लिए कोई कार्य नहीं रह गया है। अपने लिए कितना कार्य था कि संसार में कोई हमारा न रह जाए। लोग रोते हैं इस बात का कि हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं, तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे। भर्तरी जी ने भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो वरदान मांगा कि कभी कोई सम्मान से मुझे एक टुकड़ा भी न दे, क्योंकि ये सम्मान ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा, ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो, मेरा क्या होगा, बस पकड़ लो कोई तुम्हारा लगे, कोई तुम्हें जो बहुत प्यार करता हो उसकी बात सुनना, उसमें आप अगर विवेक जागृत है तो उसमें गंध मिलेगी केवल स्वार्थ की, केवल स्वार्थ की। कहीं किसी कोने में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा, पूरी प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ नृत्य कर रहा होगा, केवल वासना नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। बस विवेक से देखना, अगर विवेक ले तो सब फंसे हुए तो उसी में है। रहो न कबहू कतहू कछु, मेरो अपनो काम, यह है जीवन मुक्तता, किसी साधन से नहीं, केवल प्रभु। इसीलिए बार बार चर्चा में कहते हैं आश्रय से बढ़कर कोई बात नहीं है, मेरे प्रभु मेरा कोई नहीं।
देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात जब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी को बताते हैं तो कहते एक माँ थी, जब वो मरी तो मुझे बहुत आनंद आया कि भगवान ने एक बंधन था वो भी समेट लिया, आप तो बस निर्विघ्न में चल पड़ा भगवत प्राप्ति के लिए। ये अगर कहीं कोई वस्तु व्यक्ति स्थान हो तो उसे बहुत शीघ्र श्री जी के चरणों में समर्पित करो। समर्पित का मतलब लाडली, ये मेरे पुत्र परिवार जिनको मैं अपना माने हुई थी प्रियाजू, अब मुझे आप चाहिए, ये सब जंजाल सहित मैं आपको समर्पित हूं, आप देख लेना। अब मेरी ताकत नहीं कि मैं इस जाल से मुक्त हो सकूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं ज्ञान विज्ञान के द्वारा शरीर राग और शरीर संबंध राग मिटा सकूं, तो हे मेरी भोरी प्रियाजू, मैं जैसा भी हूं बस आपका, आप समान। वो बहुत मृदु भाव से समेट लेंगे आपका राग निश्चित। ये जब तक आपका कुछ है तब तक आपका साक्षात्कार नहीं होता, आप समझ लीजिए। कुछ भी एक तिनका भी पूरे ब्रह्मांड में एक भी यदि कोई शत्रु है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और एक भी यदि मित्र है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। राग रहित प्रीति, स्वार्थ रहित संभाव, अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः, सबके प्रति मित्र भाव लेकिन ममता रहित। समझना यहां मित्र भाव का तात्पर्य, सबके प्रति करुणा का भाव लेकिन अहंकार रहित। मैत्रः करुणयुत तो निर्ममो निरहंकारा, सब में भगवत भाव, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, तभी आप अहंकार और ममता रहित होकर व्यवहार करें। प्रभु सेवा में ही सने तन मन बुद्धि तमाम, मेरी जितनी इंद्रिया मन बुद्धि है अब केवल प्रभु सेवा हेतु वो उठती है, चेष्टा होती सेवा में, जो कछु बने वामे नहीं कछु मोर। ये जो उपासना बन रही है इसमें मैं कहीं नहीं हूं, प्रभु मनमानी करण को रहे हलावत डोर। जैसे कठपुतली को नचाने वाला नचाता है वैसे ही वो नाचती, ऐसे ही मेरे आराध्य देव सेवा उपासना साधना जो बन रही वो जैसा चाहते हैं वैसा। कहीं अहंकार की गंध आ रही है क्या? देखिए स्थिति कैसी होती है, जो प्रभु में अपना सर्वस्व समर्पण करके प्रभु को अपना सर्वस्व मान लेते हैं उनकी कैसी स्थिति होती है। फुरना मति बल पुरुषता, ये करण करावनहार, सब कछु तिन में तिन ही को तिन ही सो व्यवहार, रहो नरंचक मैं पनो भयो एक ही भाव, हया शोक भय मान मद सबको भयो अभाव। कह रहे कि हमारे हृदय में अब जो भी स्फुरणा होती है वो प्रभु के द्वारा प्रेरित होती है, मेरे अहम के द्वारा नहीं होती। अब हमारे हृदय में स्फुरित जो हो रहा है, शास्त्रों में वर्णन है कि हृदय में जो स्फुरित होता है वो या तो कोई सिद्ध पुरुष वैसा ही आचरण करता है या मूर्ख पुरुष आचरण करता है। ध्यान रखना, अपने ना पूरे के पूरे पागल हैं और ना सिद्ध हैं, इसलिए बहुत होश में रहने की। या तो एकदम पागल जो है जैसा स्फुरित हुआ हो रहा उसको कोई मतलब नहीं, ऐसे सिद्ध पुरुष है, क्योंकि अब उसके हृदय में जो स्फुरणा होगी वो उसी कोटि की होगी। ऐसा नहीं कि त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा स्फुरणा हो रही, या कोई दृश्य देख लिया या कुशंग हो गया या वस्तु व्यक्ति के संग के प्रभाव से स्फुरण नहीं, ये सब खत्म। अब केवल भागवतिक स्फुरणा उसके हृदय में होती है। स्फुरणा जैसी हुई वैसा करना वो केवल सिद्ध पुरुषों के लिए है। उपासक को स्फुरणा हुई उसको जांचो,
शास्त्र सम्मत है या शास्त्र विरुद्ध है? विरुद्ध है तो इस स्फुरणा को संकल्प मत बनने दो, उसको वहीं नष्ट करो विवेक के द्वारा, मत मानो उसे। अगर इस स्फुरणा के अनुसार करते रहे तो पतित हो जाओगे। इस स्फुरणा के अनुसार केवल सिद्ध पुरुष, क्योंकि उसके हृदय में अब वही स्फुरणा होगी जो प्रभु प्रेरित करते हैं। मति, बल, पौरुषता, ये सब प्रभु प्रेरित करके दे रहे हैं। ये जो हमारे अंदर बल है, ये जो हमारी बुद्धि है, ये जो हमारी अंदर की वृत्तियां हैं, इतनी पवित्र चिंतन, ये कहीं मैं नहीं हूं, ये तो मेरे आराध्य देव की कृपा से हो रहा है। सब कुछ तिन में, तिन ही को, तिन ही सो व्यवहार, ये जो कुछ सब है ये प्रभु के द्वारा दिया हुआ, ये प्रभु के लिए है, ये प्रभु से ही हो रहा है। रहे न रंचक मैं पनो, कहीं मेरा इसमें अभिमान नहीं है, मैं कहीं नहीं। अब तो एक ही भाव रह गया है, प्रभु मेरे हैं। अब न कोई लज्जा है, न कोई शोक है, न भय है, न अहंकार है, न किसी से राग है, न द्वेष है, सबका अभाव हो गया। रही न सत्ता भिन्न कछु, अब एक मात्र भगवान, लीला में लीला करे नित्यति मधुर महान। अभी देखने को ऐसा लग रहा है वो क्या, अब कोई सत्ता नहीं रह गई, अब सत्ताधारी अपनी सत्ता प्रकाशित कर रहा है। अब ये कर्म विधान से नहीं चल रहा, अभी भगवत विधान से चल रहा है। लीला में प्रभु नित्य अपनी लीला यहां प्रकाशित कर रहे हैं। भाई जी महाराज कह रहे हैं अब कहीं मैं की लीला नहीं है, अब प्रभु की लीला है। इसलिए जीवन मरण निरोग रोग की मिटी कल्पनाएं सारी, नहीं कहीं अस्तित्व किसी का रहा तनिक सुख दुख धारी। लीला सुधा तरंगिणी की अगणित लहरें अति मनहारी, उठती ललित लाश करती लावण्यमयी जग से न्यारी। अब स्थिति का आनंद, अब तो ना जीने की इच्छा है ना मरने का भय है। शरीर भयानक रोग से ग्रसित हो या स्वस्थ रहे कोई परवाह नहीं, अब ये सब कल्पनाएं मिट गई हैं, कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, ना दुख का अस्तित्व रहा और ना सुख का अस्तित्व रहा, क्योंकि अब अस्तित्व आनंद समुद्र का है। अब तो लीला सुधा तरंगिणी प्रतिपल अगणित लहरें, जैसे समुद्र में लहरों का विलास होता रहता है, ऐसे आनंद समुद्र की लहरें अर्थात दिव्य दिव्य लीलाएं, दिव्य चिंतन, दिव्य झांकियां उसके हृदय में प्रकाशित होती रहती है। अब वो जग से न्यारा हो गया, जग में रहता हुआ भी जग से न्यारा हो गया। तो कहीं भी किसी भी साधन पक्ष में हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रभु इसीलिए कहते हैं आशित मत परह, मेरे परायण रहो। साधन की सफलता में केवल भगवत कृपा है, केवल भगवत कृपा, आप कहीं नहीं हैं। जितने भी बड़े बड़े योगी महात्मा ऊंचाई पर पहुंचे हुए भक्तजन प्रेमी जन हुए हैं, उन सब ने प्रेम पूर्वक प्रभु के चरणों का आश्रय लिया है और उन्हीं चरण रज के प्रताप से वो ऐसी स्थितियां प्राप्त की हैं। तो आप सबको जो भी भागवती साधन मिले हैं आप उनका अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं, वो आपके द्वारा नहीं प्रभु की कृपा के द्वारा, ऐसा समझें। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते
क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जहां उपासक अहंकार किया बस विषय इतना उससे परेशान कर देता है कि वो स्मृति ही खो बैठता है। मैं कौन हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, ये स्मृति खो देता है। ये अहंकार बहुत ही, और प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहुष श्री भगवाना। अरे किस बात का अहंकार, किस बात का, पूरा खोजने पर कुछ मिलता ही नहीं कि किस बात का अहंकार, किस बात का। बस वो एक अज्ञान है, मूढ़ता है। इसीलिए भगवान ने भी कहा अहंकार विमूढ़ात्मा, वो विमूढ़ है। इसलिए ये मूढ़ता के कारण ऐसा लगता है मैं बढ़िया श्रृंगार कर लेता हूं, मैं बढ़िया कर लेता हूं, मैं अच्छा, मैं संयमी, मैं निर्जला, मैं जल से, मैं वायु से, मैं दूध से, फल से, मैं भ्रमण किए, मैं सब कूड़ा हो जाता है। अहंकार तो बिल्कुल साधक को नहीं करना चाहिए। जहां कहीं प्रकट हो तो उसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। संत सदगुरुदेव के वचनों से उनका ऑपरेशन होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद शवनन सही। गुरुजनों की वाणी में ऐसी सामर्थ्य होती है कि अहंकार की धज्जियां उड़ जाती हैं। यदि गौर से एकाग्रता पूर्वक सुनोगे तो अपने आप अस्तित्व ही नहीं रहता। प्रभु कह रहे हैं कि जब साधक भगवद आश्रय नहीं लेता तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में भोक्ता और कर्ता भाव बना रहता है अहंकार के कारण। फिर वो विषयों का चिंतन करता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, विषयों का भोग तो बाद की बात है, हमारी दुर्गति का प्रधान कारण विषय चिंतन है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है निरंतर, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चेता सततम युमाम स्मरत नित्य साहा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अब यहां ध्यान देना है कि विषय क्रिया नहीं हुई, लेकिन केवल चिंतन आपके हृदय को बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा गया कि एक क्षण भी भगवत चिंतन छूटा तो हानि हो गई। ऐसे संस्कार गलत अंदर डाल देगा, वो जलाते रहेंगे। मन जो है ना, ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि ये ज्ञान विज्ञान आपकी समझ में ही नहीं आएगा। ध्यायतु विषयान पुंशः। प्रभु का आश्रय ना लेने के कारण, प्रभु के परायण ना होने के कारण, निरंतर भगवत चिंतन ना होने के कारण जो अंतर होता है वो विषय चिंतन होता है। ध्यान देना, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घकाल तक निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास किया जाता है तो दृढ़ भूमि वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। जैसे विषयी पुरुष भले कहीं भागवतिक स्थान में भी बैठा हो पर वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। ऐसे भागवतिक पुरुष भले ही वो विषय प्रपंच में बैठा हो लेकिन वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। तो जो भगवत परायण नहीं होते, प्रभु का निरंतर चिंतन नहीं करते, उनका विषय चिंतन ही होता है। वो विषय चिंतन ही करता है, ऐसा नहीं कह रहे, स्वाभाविक होता है विषय चिंतन उससे, क्योंकि भगवत परायण नहीं है, निरंतर भगवत भजन का अभ्यास नहीं किया तो होगा क्या, विषयों को भोगता रहा है, उसी कर्तत्व भोक्तत्व भाव का चिंतन होता रहता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति, प्रायः इसी स्थिति में पूरा संसार है। बैठे बैठे बस वही चल रहा है, ये किया वो करूंगा, ऐसा बना लिया वैसा बना लूंगा, अब इतना ऐसा हो जाए फिर वैसा हो, और ये सब कर सोचते सोचते काल आ गया, मृत्यु, शरीर छूटा। अब जो सोच रहा था, जो सोचा उसके परिणाम से दूसरी योनि मिली,
बस यही चक्र चल रहा है।